माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने देश में स्वास्थ्य आधारित संरचना को मजबूत करने और सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया है। इसी क्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 अक्टूबर 2021 को 5 साल की अवधि के लिए 64,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट से एक महत्वाकांक्षी योजना पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ हुआ। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रा को छोटे शहरों और कस्बों तक ले जाया जा रहा है। इससे छोटे शहरों में नए अस्पताल तो बन ही रहे हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़ा एक पूरा इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। पीएम अभीम ने 17,800 ग्रामीण इलाकों और 11,000 से अधिक शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है, जहां कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर की सुविधाएं दी जाती हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में 3,382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां और जिला स्तर पर 730 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं भी पीएम अभीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएम अभीम ने पूरे देश में 602 क्रिटिकल केयर ब्लॉक यानी CCV बनाने की कल्पना की। प्रत्येक क्रिटिकल केयर ब्लॉक की परिकल्पना है 100 और 50 बेडों वाले अस्पताल, जिसमें इमरजेंसी, ICU, आइसोलेशन वार्ड, सर्जिकल यूनिट्स इत्यादि क्रिटिकल केयर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब तक 503 CCV को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। अब तक देश के विभिन्न राज्यों को 25,000 करोड़ से अधिक रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जो मिशन के उद्देश्यों में निर्विवाद प्रगति को दर्शाता है। आज छत्तीसगढ़ राज्य के 9 जिलों के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम से क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स का शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी जनजातीय बाहुल्य जनमानस में सिकल सेल रोग के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा देना तथा उसकी रोकथाम करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत ही कम समय में 40 लाख से अधिक जनजातीय लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 1 लाख से अधिक सिकल सेल काउंसिलिंग कार्ड का वितरण आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है।